नाश्ता और गरम गरम चाय सैंडविच। देखिए मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैं सुबह से शुरुआत कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज मैं बनाऊंगी कुकुम्बर सैंडविच। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कुकुम्बर सैंडविच के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो हमें सबसे पहले कुकुम्बर चाहिए, सेकंड हमें मेयोनीज चाहिए, सॉस चाहिए और ब्रेड चाहिए। फ्रेंड्स मैं कुकुम्बर सैंडविच इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का मन था सैंडविच खाने का, तो मैं जा रही हूँ अभी ब्रेड लेने के लिए। सो फ्रेंड्स अब मैं ब्रेड लेके आ चुकी हूँ और अब मैं तैयारी करूँगी सैंडविच। हाँ दोस्तों हम सबसे पहले खीरे को छीलेंगे। तो मैं खीरा छील रही हूँ, देखिए और ये ना बहुत ही हेल्दी सैंडविच होता है, आप लोग भी ट्राई करना। और ये मेरा खीरा छिल गया है, अब मैं इसके छोटे छोटे स्लाइसेस करूंगी, देखिए ऐसे। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, देखिए छोटे छोटे स्लाइसेस कर दिए हैं। और अब मैं लूंगी एक प्लेट, उसमें लूंगी ब्रेड, दो ब्रेड, ठीक है। मैं तो आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन ब्रेड जरूर दिख रही होगी। तो आप लीजिए दो ब्रेड और आप ले लीजिए सॉस एंड मेयोनीज। सॉस मैं डेल का यूज़ करती हूँ, डेल मोंटे का। आप लोगों को जो सॉस पसंद हो आप वो अलग ही यूज़ करिए। और ये ब्रेड के ऊपर आप लगा देंगे ऐसे। इसको सॉस को पूरी ब्रेड में लगाइएगा तभी टेस्ट आएगा। ये लग गया है ब्रेड में सॉस। सेकंड ब्रेड में हम लगाएंगे मेयोनीज। फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है ये सैंडविच। देखिए अब मेरे एक ब्रेड में सॉस लग गया, एक में मेयोनीज लग गई है और अब मैं इनके ऊपर रखूंगी कुकुम्बर। ये रख दिए हैं और एक ब्रेड के ऊपर इसको ऐसे, ठीक है। अगर किसी को ये नॉर्मल ऐसे ही पसंद हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स अब हमने गैस ऑन कर लिया है और गैस में रख दिया है मैंने तवा। और जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा तवा गर्म हो गया है हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी। इसमें जो सैंडविच हमने रेडी किया था वो अब हम इसमें रख देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे फिर हम इसको पलट के देखेंगे। वाओ व्हाट अ कलर, देखिए ब्राउनिश सा कलर हो गया है। और इसके ऊपर दोबारा हम थोड़ा सा क्या लगाएंगे, घी लगाएंगे। फिर दोबारा हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारा अच्छे से पक जाए ब्रेड। और फ्रेंड दोनों साइड हमारा सैंडविच अब रेडी हो गया है। अब मेरे हस्बैंड टेस्ट करके आपको बताएंगे कि हमारा मैंने जो सैंडविच बनाया है वो कैसा है और कैसा उसका टेस्ट है।
फ्रेंड्स, अब हमारा सैंडविच बन गया है और उसे मैंने प्लेट में रख दिया है और आप देख सकते हैं मैंने उसका कटिंग भी कर लिया है। कटिंग करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ से मैं कटिंग कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों मैंने ये कटिंग कर लिया और देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। सोचिए आप खाने में कितना टेस्टी होगा ये। आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा घर पे। अब मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट कराती हूँ कि कैसा है ये, वो मुझे बताएंगे। मैं लेके आ चुकी हूँ गरम गरम नाश्ता और गरम गरम चाय सैंडविच। देखिए मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं बैठ के। थैंक यू सो मच। टेस्ट करो कैसा है। दोस्तों इसकी शेप देखिए बहुत अच्छा बना रखा डिजाइन। थैंक यू सो मच। अब मैं ट्राई करूंगा। कैसा टेस्ट है? बहुत ही अच्छा टेस्ट है दोस्तों। और थैंक यू सो मच, मैं अपनी वाइफ को थैंक यू कहना चाहूंगा। और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है और ये सबसे बड़ी बात है ये हेल्दी फील हो रहा है। और आई थिंक इमरजेंसी में कभी कभी आपको भी बनाना हो तो रेसिपी मेरी वाइफ ने बता ही दिया होगा। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता भी है। इवन किड्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि बाहर हम जो खाते हैं सैंडविच उसका इतना अच्छा टेस्ट उसमें हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है। उसमें क्या सफाई है नहीं है, तो जब हम अपने घर में बनाते हैं प्यार से बनाते हैं उसमें प्यार भी होता है और सफाई भी होती है। तो मेरे हिसाब से अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी अपने परिवार के साथ खाएं और बहुत अच्छा रहता है। तो थैंक यू सो मच इस सैंडविच के लिए। मैं अपनी वाइफ को अगेन थैंक यू कहूँगा और बहुत ही अच्छा सैंडविच है दोस्तों, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच और ऐसी वीडियोज के लिए आपको हम बार बार अच्छी अच्छी वीडियोज आपके साथ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रेस के लिए आ चुका है सैंडविच। वाओ वाओ वाओ, किसने बनाया? मम्मी। थैंक यू बोलो मम्मा को। कैसा टेस्ट है? अच्छा। थैंक यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये देखिए किड्स भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई सब कुछ है। तो आप भी प्लीज ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय सुरेश, बाय बोलो, बाय 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 दो।